ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने SIT का गठन किया है। अब UP पुलिस की स्पेशल टीम जुबैर के खिलाफ दर्ज अलग अलग मामलों की जांच करेगी। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर, लीखमपुर खीरी, हाथरस और मुजफ्फरनगर में मामले दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुबैर के मामले की जांच IG प्रतिंदर सिंह की अध्यक्षता में SIT करेगी। DIG अमित कुमार वर्मा भी जांच टीम में शामिल हैं। पुलिस का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीतापुर जिले में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर को राहत देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अलग सुनवाई 7 सितंबर को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की राहत केवल सीतापुर मामले तक ही सीमित है। दिल्ली, लीखमपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर में दर्ज मामलों में जुबैर के खिलाफ कार्रवाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे अभी भी मोहम्मद जुबैर को जेल में ही रहना होगा। बता दें कि लीखमपुर खीरी की अदालत ने पिछले साल दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को तलब किया था। लीखमपुर खीरी पुलिस ने 25 नवंबर 2021 को एक स्थानीय पत्रकार की शिकायत पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए यह मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार 11 जुलाई 2022 को मोहम्मद जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में अदालत ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।